जो लोग इस तरीके का भ्रम फैला रहे वो लोग सिर्फ अपने दिल को दिलासा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सरहा। बिहार की राजनीति में इस वक्त अटकलों का बाजार गर्म। चिराग पासवान को राजद की तरफ से ऑफर मिलना, दूसरी ओर अमित शाह का पशुपति पारस से मुलाकात करना, इसके बाद चिराग पासवान से उनकी मुलाकात होना, अब कई तरह की बातों को लेकर के अटकलें तेज हो गई है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच की दूरियों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन चिराग पासवान के राजद से मिलने की अटकलों के बीच अमित शाह का पारस से मुलाकात करना, क्या बीजेपी का कोई प्लान बी तैयार हो रहा है? कई तरह के सवाल जो है उठने लगे हैं। हालांकि आपको बता दें, चिराग पासवान ने कई बार इस बात को साफ किया है कि राजद सिर्फ भ्रम फैला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका न कोई मतभेद है न मनभेद है। दूसरी ओर अगर बात करें तो जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान अपने ही पार्टी से अलग बयान दे रहे हैं, सहमत नहीं हो रहे हैं, इस पर मांझी भी कई बार बोलते नजर आए हैं, मांझी ने भी सवाल उठाया है। हालांकि आपको बता दें कि अब ऐसे में पशुपति पारस से मुलाकात करना और चिराग पासवान से फिर अमित शाह की मुलाकात, कई तरह की बातें और भी ज़्यादा तेज हो चुकी है कि आखिर राजनीति में इस वक्त क्या चल रहा है। खासकर चिराग पासवान की बात करें तो क्या चिराग पासवान को अपनी ही पार्टी के टूटने का डर सता रहा है या फिर कोई और ही प्लान तैयार हो रहा है? चिराग को लेकर भाजपा की तरफ से भले ही किसी भी तरह की टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन पारस की अमित शाह से मुलाकात कई तरह की बातें चर्चा में लेकर आ रही है। इसके माध्यम से चिराग को क्या कोई संकेत दिया जा रहा है?